हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बॉर्डर बनाना सीखेंगे। बॉर्डर में हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोना बनाना सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। हमारे पास एक डिज़ाइन है जिसे मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो हम इसे कॉपी करते हैं। बॉर्डर बनाने के साथ साथ आज हम सीखेंगे डिज़ाइन को रिपीट कैसे करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रिपीट है, जल्दी से इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइज, हमारा ये फर्स्ट रिपीट तैयार हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट रिपीट बनाएंगे। तो हम इसे बिल्कुल टक्कर से फोल्ड करेंगे और इस नीचे वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन पर अच्छी तरीके से बिठा लेंगे और सेंटर वाली लाइन को सेंटर वाली लाइन पर। तो देखिए, मैंने इसको बिल्कुल बिल्कुल टक्कर से मोड़ा है। तो हम इसे स्केल से तोड़कर फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो हमारा सेंटर होता है इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो हम इसे सही करेंगे। तो हम इसे मिटा के थोड़ा थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अगर सही है तो रहने देंगे, नहीं तो उसे ठीक करेंगे। तो ये हमारा सेकंड रिपीट तैयार है। अब हम इसका एक रिपीट और बनाएंगे। अब हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि टक्कर से मोड़ के बिल्कुल जहां हमारा डिज़ाइन ख़त्म हुआ है वहीं से इसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं करेंगे और लाइन को लाइनों पर बिठा लेंगे, सेंटर वाली लाइन को सेंटर वाली लाइन पर। अब हम इसे घिसेंगे और हमें चाहिए एक कपड़ा। मैंने इसमें स्टेपलर नहीं लगाया है, मगर आप स्टेपलर ज़रूर लगा लें, नहीं तो ये हिल जाएगा और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो हम इसे घिस लेंगे। मेरे पास जो कपड़ा था मैंने उसी पे घिसना शुरू कर दिया है। आप कोई हार्ड कपड़ा लें ताकि ये अच्छी तरीके से घिस जाए। तो अब ये कॉपी हो जाएगा। आप कॉइन लें घिसने के लिए, 1 रुपये का सिक्का ले लें और उससे घिसें। तो अब देखते हैं कैसा घिसा है हमारा। तो ये देखिए, तो ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है। तो चलो अब हम अपना कोना बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक पेपर लेंगे और उसको तोड़ लेंगे और पेंसिल से डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद भी हम स्केल से लाइन खींचेंगे।
तो फ्रेंड्स ये हमारा डार्क हो गया है, अब हम इसका दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। तो इसे ध्यान से देखें, लाइन को लाइन पर ही बिठाना है जब ही हमारा सीधा कोना बनेगा। इस पे बहुत ध्यान दें, लाइन पे लाइन बिठाने के बाद स्केल से तोड़ लेंगे और पेंसिल से डार्क करेंगे। तो ये हमारा कोना बन चुका है, अब हम इसे स्केल से लाइन को खींच लेंगे। मैं छोटे स्केल से खींच रहा हूँ, आप बड़े स्केल से खींचें ताकि एक ही बार में लाइन खींच जाए। तो हम इन दोनों लाइनों को खींच लेंगे। अब हम इसको लाइन पे बिल्कुल कोने से, लाइन कोने का ध्यान रखें, कोने से ही मोड़ना है। पलट कर इसको लाइन पर लाइन रखेंगे, बिल्कुल कोने का ध्यान रखें, ये कोने पर ही कोना मोड़ना है और ये लाइन को लाइन पर ही बिठाना है। और इसको स्केल से तोड़ लेंगे। अब ये हमारा डिवाइड हो चुका है दो जगह। तो ये देखिए इसका सेंटर। अब हम ये जो दो लाइनें हैं हमारी बॉर्डर में, इनका निशान लगा लेंगे और इनको भी खींच लेंगे। ये आप ऊपर नीचे दो लाइनें देख रहे होंगे। तो इसका मार्क कर लेंगे। और इसे स्केल से खींच लेंगे। तो ये ड्रॉ करेंगे सीधी लाइन, ये ऊपर वाली लाइन भी लगा लेंगे, ऐसे ही मार्क लगा लेंगे। आप चाहें तो नीचे रख के डायरेक्ट भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मगर उससे हिल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्क करने के बाद ही इसको ड्रॉ करें। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कोने को इमेजिनेशन करेंगे कि ये कैसा लगेगा, रख कर देखेंगे कोने को। तो मुझे कोने में फूल चाहिए। तो मैं इस कोने, ये फूल देखो मैं कोने पर ही रख लूंगा इसको। ये आप फूल देख रहे हो, ये वाला, ये फूल कोने में रखेंगे और इसको नहीं बनाएंगे, इसको हम बाद में बनाएंगे, नहीं तो ये घिसने के टाइम पर हिल डबल हो जाएगा। तो हम इसको पूरे को ड्रॉ कर लेंगे। तो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स
ये तो ड्रॉ हो रहा है। अगर ये आपकी समझ में नहीं आता तो मैं बॉर्डर का पार्ट टू वीडियो छोटा सा क्लिप इसमें दिखा दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख लें। और अगर इससे समझ में ना आए तो आप उससे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स में मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा जो भी खाके में यूज़ करते हैं हम, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूंगा, और जो मैंने गलतियां करी हैं वो सब मैं आप ना करो इसलिए मैं आपको जो मैंने उन गलतियों से सीखा है मैं वो आपको सब सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा एक पार्ट तैयार है। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक कपड़े पे इसको रखकर घिस लेंगे। तो वही हमें लाइन को लाइन पे बिठाने लेना है इसकी, और स्केल से तोड़ दें। और फिर उसके बाद आप स्टेपलर लगा लें। मैं स्टेपलर नहीं लगा रहा हूँ। हमने कपड़ा ले लिया है, अब हम इसे घिसेंगे। तो चलो घिस लेते हैं। आप कॉइन से घिसें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हम पहले ही कोने में फूल बना देते तो वो बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ जाता और डबल हो जाता। तो ये हमने घिस लिया, देखता है कैसे लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसका कोना बनाएंगे। मैंने पहले ही कोने में फूल सेट कर लिया था तो वहीं पर रखकर हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो इसे डिजाइन को बिठा लेते हैं। तो ये देखिए कोने में फूल। ये फूल बिठा लिया हमने। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। और भी जो हमें इसे छोटी छोटी पत्तियां वगैरह ऐड करनी होगी तो ऐड कर लेंगे। और ये हम एकदम फ्लो में बनाएंगे ताकि अजीब ना लगे, देखने में सुंदर सा लगे। कोने के अंदर यही बहुत खास होता है कि बॉर्डर के अंदर कोना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब हम पत्तियां भी ऐड कर लेंगे। अभी तो हमने एक कोना बनाया है, अब हम एक बार हम इसको फोर साइड कोना बनाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं। चारों कोना जैसे किसी स्टॉल को बनाते हैं या साड़ी को, तो उनके सारे कोने एक बराबर हों तो वो कैसे करते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर और कोना बनकर तैयार है। तो देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो हम वो क्लिप भी देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये वो क्लिप है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बॉर्डर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे कि बॉर्डर कैसे बनाते हैं।
तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। जब तक आप अपना ख्याल रखें।